नमस्कार, मैं डॉक्टर आर एन सिंह, स्कूल ऑफ एजुकेशन, राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। प्रिय शिक्षार्थियों, पिछली कक्षा में हमने प्रयोजनवाद पार्ट वन देखा था। आज हम प्रयोजनवाद के पार्ट टू, जो है कुछ पार्ट जो बचे हुए हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। उसके लिए हम उपस्थित हुए हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, फिर पिछले बार हमने प्रयोजनवाद के जो कॉन्सेप्ट थे, जो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने दिया, उसके बारे में हमने चर्चा की, उनके विभिन्न तत्वों के बारे में चर्चा किया। आज हम उपस्थित हुए हैं कि हम प्रयोजनवाद के क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, प्रयोजनवाद की परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है, उसकी शिक्षण विधियाँ क्या है, छात्र संकल्पना क्या है, अनुशासन क्या है, उसके जो शिक्षण में कौन कौन सी विधियों का हमने प्रयोग किया है, उस पर सारी चर्चाएं आज हमारी चलेंगी। जो उसकी उपलब्धियां हैं, उसकी सीमाओं पर भी चर्चा होगा, आज उस पर हम चलते हैं। जो है, जो हमारा ब्लॉक टू यूनिट 8 के अंतर्गत आता है, जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, और उसी पर हम चलते हैं आज। जिसको हमने आपको विभिन्न पर्यायवाद, प्रयोजनवाद के विभिन्न पर्यायवाची, जिसे अनुभववाद, प्रयोगवाद, विभिन्न नामों से जाना जाता है प्रयोग, तो ये हमने इसमें नाम दिया है, इसको आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अर्थ क्रियावादी या प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन। तो मुख्यतः देखा जाए तो डीवी ने इसको जो है बहुत प्रमुख स्थान दिया था प्रयोजनवाद को। इन्होंने कहा कि ये शिक्षा के माध्यम से हम जो है समाज से जोड़ते हैं, और समाज ही हमारी जो है शिक्षा के माध्यम से हमको संवहन संवरण करती है और हमें संस्कृति प्रदान करती है। उसका कोरिलेशन जो है सामाजिक अनुभव के द्वारा था, उनका प्रमुख रूप से यही था शिक्षा का वो। तो उन्होंने कहा कि डीवी के अनुसार शिक्षा दर्शन के समान उपपत्ति है। उन्होंने कहा कि दर्शन जो है शिक्षा की समान उपपत्ति है, और कहीं कहीं और दूसरे भी, अगर हमने वाद में पढ़ा, उसके पहले भी आदर्शवाद में पढ़ा, तो वहां पर दर्शन प्रमुख हो जाता है, लेकिन उन्होंने यहां दर्शन को प्रमुखता नहीं दिया, उन्होंने शिक्षा को प्रमुखता दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा की ही उपपत्ति है दर्शन, जो ये शिक्षा ही जो है दर्शन को देता है, और दर्शन जो है इन समस्याओं का अध्ययन करती है। जो दर्शन शास्त्री होते हैं, दर्शन के जो मर्मज्ञ होते हैं, जब वो समस्याएं सामने आती हैं, उस पर वो उसका अध्ययन करते हैं और एक निष्कर्ष रूप एक हल, उसके उस समस्याओं का एक हल ढूंढ कर उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, और उन समस्याओं को फिर ये जो शिक्षा शास्त्री होते हैं अपने मापन के पर उसको तौलते हैं, उसको देखते हैं कि कितना यह जो है ये खरा है, फिर उसको जो है उसको लागू करते हैं, उसको आगे ले चलते हैं। तो इनका यही था, इनका कहना था कि ये जो हमारा जीवन दर्शन कैसा होना चाहिए, यह जो है शिक्षा ही बताती है, शिक्षा के द्वारा होता है, और उसको हम कैसे इसको व्यवहारिक रूप में लागू करते हैं। दूसरी चीज कहा उन्होंने कि इसको जो है पहले से हम पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते कि हमारी जो है शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसको स्वतंत्र, इसका अस्तित्व जो है स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, इसको सामाजिक अनुभवों के द्वारा पुनर्रचना, इसमें निरंतर पुनर्रचना, अनुभवों जितना ही अनुभव प्राप्त करेगा उसकी पुनर्रचना होती जाएगी, पुनर्निर्माण उसका होता जाएगा। उसको उन्होंने कहा कि इसको सीमित दायरे में नहीं, इसको स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में छोड़ देना चाहिए, कि स्वयं बच्चा इसका अनुभव करे और स्वयं उस अनुभव के उस ध्येय तक पहुंचे, फिर उस ध्येय से एक जो है नया प्रश्न उत्पन्न होता है, एक नया अनुभव लेता है, फिर उसका पुनर्रचना होता है, फिर उसी तरीके से जो है शिक्षा में भी बदलाव होता है। आगे हम देखेंगे शिक्षा की परिभाषा क्या है। शिक्षा की परिभाषा में देखते हैं, जॉन डीवी की ही मुख्य परिभाषा थी कि शिक्षा में, मतलब शिक्षा के बारे में, प्रयोजनवादी शिक्षा के बारे में उन्होंने प्रमुख रूप से बड़े गंभीरता से उस पर अध्ययन किया था, और उसी पर ही पूरा जो है ये फोकस होता है शिक्षा शास्त्रियों की, कि जॉन डीवी के जो प्रयोजनवाद पे शिक्षा दिया गया उस पर उन्होंने क्या कहा था। तो जॉन डीवी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा हम देखें तो शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण अथवा पुनर्रचना कराने वाली प्रक्रिया है, जिससे कि विविध और वैयक्तिक कुशलता के माध्यम के द्वारा उसे अधिक सामाजिक मूल्य प्राप्त होता है। इसी के अंग्रेजी हम कहेंगे, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपीरियंस, गिविंग मोर सोशलाइज्ड वैल्यू थ्रू द मीडियम ऑफ इंक्रीज इंडिविजुअल एफिशिएंसी। मतलब अगर देखा जाए उक्त परिभाषा का, अगर हम देखें तो ये इसका एक अभिप्राय निकलता है कि इसमें अनुभव जो है विशेष रूप से जो व्यक्ति अनुभव प्रारंभ करता है तब तक अनुभव करने की क्षमता रखता है जब तक वह चलती रहती है, वह अनुभव निरंतर लेता रहता है और वह
शिक्षा भी निरंतर चलती रहती, जितना ही वो अनुभव प्राप्त करेगा और उसमें पुनर्निर्माण की अवस्था रहेगी, फिर उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा, उसको आगे ले जाएगा। तो ये जो है शिक्षा का उद्देश्य भावी जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, उनका कहने का मतलब था। जैसे अगर हम देखें तो अगर आदर्शवाद में तो उसमें कहा कि शिक्षा जो है भावी जीवन की तैयारी है, और यहाँ पर उनका कहा कि नहीं नहीं भावी जीवन की तैयारी नहीं, हम जो है भविष्य के बारे में जो शिक्षार्थी हैं उनको जो है भविष्य के बारे में चिंतित नहीं करना, ये स्वयं जीवन है जो वर्तमान है उनका जो है, उस वर्तमान में रहें, उस स्वयं उस जीवन को जिए जो वर्तमान में वो जी रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हम अगला देखते हैं परिभाषा के अलावा शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य में देखा जाए तो जितने भी प्रयोजनवादी आए शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित उद्देश्य तो शिक्षा का हो ही नहीं सकता। जैसे पूर्ण निर्धारित चिरंतन मूल्यों का उद्देश्य था उसके पहले हम लोगों ने देखा आदर्शवाद में, यहाँ पर उन्होंने कहा कोई चिरंतन मूल्य है ही नहीं, निरंतर परिवर्तन होता है, यहाँ कोई अंतिम सत्य भी नहीं, सत्य में भी परिवर्तन होता है, ईश्वर भी अपूर्ण है, मनुष्य भी अपूर्ण है, उसमें निरंतर बदलाव होता रहता है। जहाँ पर ये मान्यता है तो वहाँ पर उद्देश्य को कैसे निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जॉन डीवी ने भी कहा, अन्य जो भी प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने भी यही कहा कि शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे आज की बात जो प्रयोजनवादी किसी सर्वव्यापी सत्ता अथवा मूल में विश्वास नहीं करता, शिक्षा किसी व्यापक चिरंतन उद्देश्य की बात सोचने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जब जगत जीवन व्यक्त सभी परिवर्तनशील है तो शिक्षा का कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। जब जगत जीवन सारे चीज परिवर्तनशील उन्होंने मान लिया है तो वहां पर कोई उद्देश्य कैसे निश्चित कर सकते हैं, पहले से उद्देश्य को निर्धारित नहीं कर सकते। उन्होंने उद्देश्यों को पार्ट किया, विभिन्न अनुभवों के द्वारा उसका पुनर्रचना करना, एक पार्टिकुलर एक मतलब विशेष जो है एक उद्देश्य बना के, विशिष्ट उद्देश्य बनाकर हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और आगे उन्होंने कहा प्रयोजनवादी के अनुसार अनुभव की पुनर्रचना द्वारा शिक्षा अग्रसर होती है और यही पुनर्रचना शिक्षा का उद्देश्य या लक्ष्य है। जो जो बालक जो है अनुभव प्राप्त करता है उसमें समस्याएं पाता है उसी के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य भी निर्धारित होता है, फिर वह उद्देश्य की प्राप्ति के साथ ही फिर वो नया भी समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं। जैसे ही एक साध्य जो होता है वो साधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें आगे कहते हैं शिक्षा कोई अंतिम लक्ष्य हो ही नहीं सकता, मतलब शिक्षा का कोई अंतिम लक्ष्य, जैसे वहां पे कहा गया आत्मानुभूति, हम आदर्शवाद में पढ़े कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति है, उसको विभिन्न स्टेप दिए वहां तक पहुंचने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। यहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर तो कोई अंतिम लक्ष्य हो ही नहीं सकता, जब जीवन ही हमारा जो है एक निश्चित उसमें दायरे में नहीं है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, पुनर्निर्धारण की अवस्था में है, पुनर्अनुभव की अवस्था में है। भगवान ईश्वर को ही उन्होंने पुनर्निर्माण की अवस्था माना, पूरे जगत को पुनर्निर्माण की अवस्था में माना, तो यहाँ पर निश्चित उद्देश्य के रूप में इसको हम ले ही नहीं सकते। तो इनका यही था कि ईश्वर जीवन का वर्तमान जीवन का सुचारू रूप से जीना, शिक्षा जो मतलब शिक्षार्थियों के लिए उन्होंने कहा कि इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान जीवन को सुचारू रूप से जीना सीखना है। जो शिक्षार्थी हैं उनको जो है हम वर्तमान में जिए, उनको जो है फ्यूचर और भविष्य के लिए, क्योंकि वो सोचता ही नहीं, वर्तमान में जीता है, वर्तमान के लिए सोचता है, वर्तमान की समस्याओं को हल करता है और फिर आगे चलने लगता है, तो भविष्य की चिंता ही नहीं करता, वो फॉरवर्ड लुकिंग होता ही नहीं। अगर भले ही निश्चित हम उद्देश्य एक बना दे लेकिन उस पर वो चल नहीं पाएगा। और इनका ये भी मानना है कि ऐसे उद्देश्य किस काम के जिस पर हम जो है जो उद्देश्य हमको प्रेरित न कर सके, शिक्षार्थी को प्रेरित न कर सकते, हम ऐसे उद्देश्य को नहीं बना सकते, उसको फॉरवर्ड लुकिंग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अर्थवादी साधन और साध्य में भेद नहीं करता, अतः जो आज साध्य है वही कल साधन बन जाता है। उन्होंने साधन और साध्य में भेद नहीं किया। हमने अभी भी बोला कि उन्होंने जो किसी चीज को विशिष्ट उद्देश्य के रूप में लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर एक चीज को लिया, समस्या आई, उसको विशिष्ट उद्देश्य में लिया, उसको सीखना है, उस उद्देश्य की पूर्ति होते ही साध्य तो पूरा हो गया, फिर वहीं पर उस उद्देश्य के बाद से नई एक समस्या को उत्पन्न करती है, तो वो फिर वो साधन के रूप में होता है, फिर नए साध्य पर जाते हैं, तो वो कभी भी जो है जो साध्य है वो साधन हो जाता है। तो इनका ये निरंतर परिवर्तन होता है, जो आज है वो कल नहीं होगा। फिर आगे देखें उद्देश्य में
अर्थ क्रियावादियों निम्नलिखित उद्देश्य उप उत्पाद के रूप में, क्योंकि वो जो है कोई उद्देश्य तो बनाया नहीं, उन्होंने इसको उद्देश्य को उप उत्पाद के रूप में लिया, उसको जो है देखा कि ये कोई निश्चित उद्देश्य जिसका कोई भी सूची उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया, उसको उप उत्पाद के रूप में जो दिया उसके तीन प्रकार उन्होंने दिया, प्रभावकारी ढंग से अनुभव की रचना पुनर्रचना करने की क्षमता का विकास। पहला उन्होंने कहा कि प्रभावकारी ढंग से अनुभव की रचना, जो अनुभव की रचना हो प्रभावकारी ढंग से हो, वो उनमें उसमें सार्थकता हो, उससे कुछ उसका परिणाम मिले, वो ऐसा अनुभव हो, फिर उसकी पुनर्रचना करें और उसके क्षमताओं का विकास करें शिक्षार्थियों का, ऐसे उद्देश्य होने चाहिए। दूसरा उन्होंने वैयक्तिक विकास के साथ साथ सामाजिक कुशलता का विकास कहा कि व्यक्ति के जो है वैयक्तिक जो उनके व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है उसके साथ ही सामाजिक उसको वैयक्तिक विकास जैसे व्यक्ति के विकास, हर व्यक्ति जो है अलग अलग है, उसके अलग अलग सिद्धांत हैं, अनेक अनेक चीज़ें हैं, तो एकल हर एकल उपलब्धि है, एकल उसकी कला है, तो उसको हम एक साथ जो है उसको सामाजिक कुशलता तभी उसको जब समाज के साथ अटैच करेंगे, उससे वो उसकी वृत्तियां समाज से जुड़ेंगी तो वो जो है सीखता है उसके कारण। फिर लोकतंत्र में आदर्श का विकास होता है, लोकतांत्रिक तरीके से जब इस तरीके से सीखते हैं तो एक नैतिक रूप से वो लोकतांत्रिक तरीके से आदर्श समाज का निर्माण करते हैं, क्योंकि एक समाज में जब जाते हैं तो समाज की बुराइयां भी आती हैं, तो उस जो बुराइयां हैं उससे दूर हटके एक लोकतंत्रात्मक जो विकास होता है, जो आदर्श और नैतिकवादी होता है, उसकी बात उन्होंने कहा जिसको आगे ले जाते हैं उद्देश्य के रूप में। अब हम आगे देखते हैं, अभी अब उद्देश्य देखा, हम देखेंगे कि अर्थ क्रियावाद या प्रयोजनवाद तथा छात्र, इनका छात्र का क्या संकल्पना है, छात्रों का क्या वो है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो आदर्शवाद में उन्होंने एक चिरंतन मूल्य की स्थापना के लिए उन्होंने पहले से निर्धारित किया हुआ था छात्र को कि इस ऐसे ऐसे मानक पर चलना है, वहां पर शिक्षक ही प्रमुख स्थान था। लेकिन वहीं पर अगर हम आगे प्रकृतवाद को देखें, प्रकृतवाद में शिक्षार्थी प्रमुख हो गया और शिक्षक और विषय वस्तु गौण हो गया। लेकिन यहां पर जो है प्रयोजनवादी जो है शिक्षार्थी की प्रमुखता के साथ विषय वस्तु की भी प्रमुखता दिया है, तो इस यहां पर उन्होंने कहा कि हमारा जो शिक्षार्थी है वो कक्षा में शांत और मौन या निष्क्रिय नहीं बैठ सकता, वो निरंतर जो है अपने अनुभवों से अपने को पुनर्निर्मित करेगा, पुनर्निर्माण करेगा और आगे बढ़ेगा। तो उनके कहने मतलब अर्थ क्रियावाद में छात्र अनुभव का केंद्र है, उन्होंने कहा कि यहां पर शिक्षक अनुभव का केंद्र नहीं है, ज्ञान अनुभव का केंद्र नहीं है, ज्ञान एक निश्चित तो नहीं अनुभवों पर आधारित है, ज्ञान तो निश्चित है ही नहीं, उसकी कोई सूची नहीं उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जितना ही अनुभव हमको प्राप्त होता है उसका अगर सार्थक परिणाम मुझे प्राप्त होता है वो हमारे लिए ज्ञान है, नहीं तो वो असार्थक लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अनुभव का केंद्र है, यदि अनुभव करने में अच्छा है तो उसकी शिक्षा संभव नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि शिक्षार्थी अगर समाज में कह लें, विद्यालय में कह लें, अगर हम वहाँ पर अनुभव से अगर शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अगर उसमें अच्छा है तो वो जो है शिक्षा जो है पूर्ण रूप से प्राप्त करे यह संभव हो ही नहीं सकता। जो है अनुभव की सीमा को इंद्रियानुभव से थोड़ा आगे ले जाकर उन्होंने सामाजिक अनुभव तर लाकर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इंद्रियों अनुभव जैसे स्वयं करना, इंद्रियों के द्वारा अनुभव लेना, फिर भी उसका जुड़ाव अपने जो उसकी वृत्तियों का विकास जो है वो समाज के साथ जब जुड़ता है, समाज से जो सीखता है, समाज के साथ जो तादात्म्य स्थापित करता है, उसका वही सही जो है शिक्षा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि व्यक्तिकरण को जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता है, इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्तिक छात्र केवल व्यक्ति है और उन्हें विलक्षण मानकर ही उनकी शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ पर होता है कि एकल तरीके से सीखना, एकल सिद्धांत, एकल कला, एकल सारी चीज़ें इंडिविजुअल है, हर छात्र की अलग अलग है, उसको हम एक एकल के मतलब उसको एक समग्र रूप से एक साथ नहीं दे सकते, उसको नहीं सिखा सकते, सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग तरीके हैं सीखने को। इसी पर उन्होंने कहा व्यक्तिकरण जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता है, तो ये पूरे प्रयोजनवादी भी उन्होंने कहा व्यक्तिकरण ही जो है ये जो जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है उसकी शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए। अगला कहता है छात्र का अस्तित्व केवल आंगिक या शारीरिक ना होकर मनोवैज्ञानिक भी है। उन्होंने छात्र के अस्तित्व की बात कही कि यह जो है जिस तरीके से
प्रकृतिवाद में है कि वो छात्र कक्षा में सक्रिय रूप में रहेगा, न कि प्रयोजनवादियों की तरह शांत और मौन होकर निष्क्रिय रूप में बैठा रहे और शिक्षक कुछ भी बोले उसको सुनता रहे या नहीं सुन रहा वो उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसका अस्तित्व आंगिक या शारीरिक न होकर वो कक्षा में पूर्ण सक्रिय रहेगा, पूर्ण भागीदारी रहेगा और उसी की भागीदारी से शिक्षा आगे बढ़ेगी। तो इसको उन्होंने कहा कि यह मानसिक भी है, ये मनोवैज्ञानिक और मानसिक भी है, मतलब वो किसमें कितनी रुचि लेता है वो शिक्षा उसके लिए सार्थक होगी। अगला, छात्र की संकल्पना का तीसरा प्रमुख तत्व उसका सामाजिक व्यक्तित्व है। अगर देखा जाए छात्र के अगर भैंस तो उसमें सामाजिककरण होना भी बहुत जरूरी, समाज से ही सीख सकता है, समाज में समाज से नहीं जुड़ेगा तो नहीं सीख सकता। तो उसके लिए व्यक्ति के व्यक्तिकरण के पूर्णतः विकास जो है समाज के साथ होता है, समाज से जब वो समाज के साथ जुड़ता है, उसके साथ तादात्म स्थापित करता है तो वो जो है शिक्षा को आगे ले जाता है। अब हमने देखा ये शिक्षक और शिक्षा छात्र संकल्पना को, अब हम देखेंगे प्रयोजनवादियों में शिक्षक की क्या भूमिका है। प्रयोजनवादियों में शिक्षक की भूमिका भी आदर्शवादियों की तरह नहीं कही जा सकती और यहाँ पर जो है प्रकृतिवाद की तरह गौण भी नहीं मान जा सकती कि इनके माने कुछ नहीं है, केवल ये बैठे रहेंगे, ये देखते रहेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इनके माने है कि ये बच्चों को सूचना देने मतलब में पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे, ये ऐसा माहौल ऐसा वातावरण उनके लिए पैदा करेंगे कि जिससे वो आसानी से वह सूचना जैसा कि वो विशिष्ट उद्देश्य के रूप में एक छात्र ने लिया है, कोई उसके पास समस्या है जो इसको जो साध्य के रूप में सामने है उसको वहाँ तक पहुँचना है, तो उस साध्य तक पहुँचने के लिए जो सुविधा देता है वो जो है शिक्षक का कार्य है। तो इसके लिए इनका पथ प्रदर्शन का काम करते हैं। फिर इस दृष्टि शिक्षक के तीन प्रमुख दायित्व भी होते हैं, जैसा प्रयोजनवादी कहते हैं कि इसके तीन प्रमुख दायित्व होते हैं, तीन है। अनुभव के लिए सामाजिक परिस्थितियों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, मतलब किसी छात्रों के सामने जब अनुभव हो तो सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उसको सरल रूप में प्रस्तुत किया। जैसे अगर देखा जाए तो अगर हम राजनीति में देखा जाए तो व्यवस्थाएं देखा जाए तो राज्य की व्यवस्था और केंद्र की व्यवस्था, उस व्यवस्था के जो कार्य पद्धतियां हैं उसको समझाना हो तो उसको सामाजिक रूप से ही हम विद्यालय में उसको क्रियान्वयन के रूप में एक एक पार्ट को दिखा सकते हैं कि ये केंद्र की भूमिका है, ये राज्य की भूमिका है। तो इसको इसके लिए आपको वो प्रदर्शन के रूप में वो सुविधा आपको मतलब सुविधायुक्त करना पड़ेगा छात्रों को, वो विद्यालय की जिम्मेदारी है और शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। फिर अगला, सामाजिक अनुभवों को आदर्श तथा शैक्षिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करना। उन्होंने कहा कि सामाजिक अनुभव तमाम तरीके के होते हैं, उसको जो है आदर्श शैक्षिक जो भी हो आदर्श और शैक्षिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करने का दायित्व जो है वो शिक्षक और विद्यालय दोनों को होता है। तो शिक्षक प्रमुख रूप से उसमें भूमिका निभाता है कि उसको कैसे हम आदर्श रूप में प्रस्तुत करें। जैसे बच्चा आप अगर कॉमर्स की विषयों को पढ़ता है तो कॉमर्स के विषयों में अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे जो आदर्श के साथ जो है उसके लाभ और हान, जैसे होता है कि वहाँ पर भी चोरी और तमाम ऐसी कई चीज़ें होती है जो उसमें वो गलत चीज़ों को भी वो उसको अनुभव प्राप्त होता है, चोरी कर लेना, कम नाप तौल करके देना, जो कॉमर्स में तमाम व्यवसायिक गतिविधियों में ऐसी चीज़ें आती हैं उसको कम करके उसके गलत चीज़ों को भी सीख सकता है। तो वहाँ पर अवांछित चीज़ों को हटाने का दायित्व जो है वो शिक्षक का है। तो ऐसे उन्होंने कहा कि आदर्श तथा शैक्षिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करना, छात्रों के सम्मुख सामाजिक अनुभवों को संतुलित रूप में प्रस्तुत करना। तो उन्होंने कहा कि जो छात्र के सम्मुख जो भी सामाजिक संतुलन है उसको सारी चीज़ों को संतुलित रूप से वातावरण ऐसा बनाइए कि संतुलित रूप से उसका अनुभव प्राप्त करें, उसको सीखें, उस उद्देश्य तक वो पहुँचे, यह दायित्व जो है शिक्षक का है। अब अगला आता है शिक्षक के बाद पाठ्यक्रम, अर्थ क्रियावाद द्वारा निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम भी देखा जाए तो जो हमारे
ये प्रयोजनवादी जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, पाठ्यक्रम का भी कोई निर्धारण नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को अनुभव के आधार पर माना है। तो ज्ञान का कोई एक निश्चित सूची तो उन्होंने दिया ही नहीं, क्योंकि अनुभव और पुनर्निर्माण दोनों साथ में, अनुभव लेता है पुनर्निर्माण लेता है, तो पाठ्यक्रम हम कौन से पाठ्यक्रम दें। तो उन्होंने उसको जो है व्यक्ति के अनुभव के साथ समाज से जोड़ा, सामाजिक अनुभव जो मिलते हैं उसके द्वारा वो ललित कला, विभिन्न जो सामाजिक जो गतिविधियाँ करता है वो विभिन्न चीज़ों को वो सीखता जाता है। और उसको उन्होंने कहा, उसको जो है पारिवारिक जो एक विवृत्ति है उसके साथ जुड़कर जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए। अगर देखा जाए तो डीवी ये भी जो है जितने भी मतलब प्रयोजनवादी या डीवी ने मुख्यतः जो है बड़ा ही इस पर अफसोस भी व्यक्त किया कि जब औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति में हुआ क्या कि जितने भी जो लघु उद्योग थे, घरेलू उद्योग थे, वो समाप्त हो गए। उद्योगों की वजह से वो जो घर में जो बच्चा जब शिक्षार्थी जैसे ही बड़ा होने लगता है तो तमाम चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो घर में एक परिवार मिलकर करता था, जो उनको सीखने को वहाँ मिलता था, वो उसकी उसका जो है नष्ट हो गया। औद्योगिकरण की वजह से उनको सीखना जो है मुश्किल हो गया। तो इसके लिए, इस सीखने के लिए अगर उपाय कोई करेगा तो उसमें उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम ये जो है सामाजिक रूप से जो दायित्व तो है वो विद्यालय का है। विद्यालय ऐसा वातावरण करे, पैदा करे कि जो लघु जो उद्योग के इकाई के रूप में जो ऐसे वातावरण दे कि वो उससे वहाँ पर सीख सके और आगे वो जो है उद्योगों को अपने जीवन यापन के लिए पहुँच सके, एक नया एक अपने लक्ष्य को स्थापित कर सके। तो इसी पर उन्होंने कहा कि अर्थ क्रियावाद निर्माण के जो सिद्धांत अगर देखा जाए तो उन्होंने कुछ उसमें, अगर हम उस पर गहनता से अध्ययन करें, और भी शिक्षा शास्त्री जब गहनता से अध्ययन करते हैं तो कुछ चीज़ें निकल के आती है कि उनका जो पाठ्यक्रम होता है अनुभव केंद्रित होता है। जो पाठ्यक्रम है उस अनुभव केंद्रित किससे हो, शिक्षार्थियों के द्वारा। जो शिक्षार्थी अनुभव प्राप्त करता है वो सीधे उनसे रिलेशन होता है और उसी को अनुभव को आधार बनाकर हम जो है पाठ्यक्रम को निर्माण करते हैं। प्रयोजनीयता, अब उनका जो है अगर पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसका वो एक प्रयोजन हो, उसका उसका क्या लाभ है, उस पाठ्यक्रम को पढ़ने से क्या लाभ है, ऐसे ही पाठ्यक्रम को उनके विषय वस्तु में लाया जाए। तीसरा, रुचिशीलता है, शिक्षार्थी का रुचि किस में है वो पाठ्यक्रम का भी विषय होने चाहिए। अगर रुचि नहीं है, बिना रुचि का वो पढ़ाई अपनी शिक्षा नहीं ले सकता, अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच सकता, तो रुचि, बिना रुचि के आधार पर जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं होना चाहिए। क्रिया का सिद्धांत, उन्होंने क्रियाओं पर दिया कि क्योंकि पूरा उन्होंने कहा कि जितना भी शिक्षार्थी का जितने अनुभव करते हैं वो क्रियाओं के द्वारा, कक्षा में मौन और शांत नहीं रहता, वो क्रिया करता है अपने एक निश्चित उद्देश्य पर, जो विशिष्ट उद्देश्य के रूप में लिया रहता है उस पर पहुँचता है, फिर आगे चलता है, फिर नया पुनर्निर्माण होता है, फिर उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करता तो आगे बढ़ता जाता है। फिर उसमें उन्होंने कहा कि इसमें समन्वय होना चाहिए, जैसे सारी चीज़ों में एक समन्वयता होनी चाहिए कि इन पाठ्यक्रम के समन्वय से अलग अलग उसको पृथक पृथक रूप से नहीं करके उसको एक समन्वय तरीके से उसको दीजिए कि हर एक अलग अलग विषय के विषय वस्तु नहीं हो पाठ्यक्रम में, उसको समन्वित रूप से पढ़ाइए जिससे उसके ऊपर ज़्यादा उस पर भार न पड़े। फिर आ जाते हैं हम शिक्षण विधियाँ ने डीवी ने शिक्षण विधि का प्रयोग विधि या मनोवैज्ञानिक विधि का नाम दिया, जिसमें शिक्षा प्रयुक्त होने वाली इस विधि को उन्होंने समस्या समाधान विधि तथा प्रोजेक्ट विधि के रूप में विकसित किया। डीवी मुख्यतः जो है समस्या समाधान विधि और प्रोजेक्ट विधि का नाम दिया, जिसमें देखा जाए तो उनके जो वैज्ञानिक विधि के चरण है समस्या की चेतना। उनका मानना है कि एक शिक्षार्थी को समस्या क्या है उसको वो उसमें चेतनशील अवस्था में होना चाहिए कि समस्या वास्तव में समस्या हमारे सामने है क्या। उस पर जब तक वो चेतन नहीं रहेगा उस समस्या को एहसास उसकी अनुभूति वो नहीं कर सकता, तो उसके लिए चेतनशीलता जो है बढ़ाने का कार्य जो है शिक्षक के ही होता है। शिक्षक ऐसा उसको चेतनशील बनाए कि उस समस्याओं तक पहुँच सके, समस्याओं की पहचान कर सके और आगे बढ़ सके। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले वैज्ञानिक विधि के चरण में अगर शिक्षण विधि देखा जाए तो पहला है समस्या की चेतना, समस्या को समझना, समस्या को समझकर उस पर कार्य करना। दूसरा, समस्या के तत्वों का विश्लेषण करना।
अब जो समस्याओं का अगर वो चेतन है, उसकी चेतना है, तो वो जो है समस्या के तत्वों का विश्लेषण करेगा, एक एक छोटे छोटे पार्टों को विश्लेषण करके उसको समस्या को आगे बढ़ेगा। फिर एक तीसरा पॉइंट है प्राकल्पना का निर्माण। प्राकल्पना का निर्माण एक निश्चित उत्तर के संभावित उत्तर की खोज करना, एक निश्चित संभावित उत्तर पहले ही बनाता है और फिर उसका जो है निर्माण, उसकी प्रकल्पना परीक्षण भी करता है। वह जो पाया उस उत्तर को कि कितना किस स्तर तक उसको सही पाया, कौन सा गलत पाया, तो उसका उस परीक्षण करता है, फिर उसका मूल्यांकन करता है, उस जो है विधियों का पूरा कि इससे हमको क्या मिला उसका मूल्यांकन करता, लाभ और हानि क्या रहा, हमको अपने उद्देश्यों तक हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। इसी को समान ही जो अगर देखा जाए तो समस्या वैज्ञानिक विधि की समस्या समाधान विधि में प्रोजेक्ट विधि का भी सेम वही चीजें हैं, वही चरण है और वही तरीके हैं। प्रोजेक्ट विधि के चरण में प्रोजेक्ट का चयन करना, प्रोजेक्टों का चयन करने के लिए इसमें जो शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों साथ में रहते हैं। जैसे कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, कोई भी एक कार्यक्रम बनाना जो विद्यालय स्तर पर उसको संपन्न कराना, उस प्रोजेक्ट को लिया उन्होंने, चाहे वो हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस हुआ, 26 जनवरी हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, तो उस कार्यक्रम को बनाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट का चयन किया, प्रोजेक्ट लक्ष्यों का निर्धारण, उससे हम पहले लक्ष्य का निर्धारण करें कि इससे हमारे हम इसके विभिन्न जो चीज़ें हैं इसमें हम इसको करके हम क्या पाएंगे, इससे लाभ हानि क्या है मेरा। योजना को बनाया, कार्यक्रम को तैयार किया, फिर उसको क्रियान्वयन किया, उसको पहले क्रियान्वयन करके समीक्षा तथा उसका मूल्यांकन किया। अब इसी के साथ भी अगर प्रोजेक्ट विधि के साथ कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, बालक की रुचि, जैसा मैंने कहा कि बिना बालक की रुचि का कोई भी जो है हम उसमें शिक्षण विधि सही तरीके से, अगर आप में शिक्षण की विधियों में वही अच्छा माना जा सकता है जिसमें बालक की रुचि हो। ज्ञान की समग्रता, ज्ञान जो है समग्र रूप से उसके सामने प्रस्तुत हो, ऐसा नहीं कि वो विखंडित रूप है, उसको जो है अलग अलग ट्रैंक्टेड रूपों में हम प्रस्तुत करें, वो उसको नहीं ग्रहण कर सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, और वो कहा गया कि वो प्रत्यक्ष करे उससे इंद्रिया अनुभव ले तभी वो सही रहता। सामूहिक क्रिया, उसमें क्योंकि उन्होंने सामाजिक अनुभव को प्रमुख स्थान दिया है तो वो समूह में अपने जो है ज़्यादा अच्छे से सीखता है, सामूहिक क्रिया भी। अनुशासन पर उन्होंने, अनुशासन आ जाइए तो अनुशासन प्रयोजनवादी जो है, प्रभावात्मक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन अथवा मुक्तात्मक अनुशासन, किसी भी विश्वास नहीं करते थे, ये सामाजिक अनुशासन को महत्व देते थे। उनका मानना था कि ये जो अनुशासन है इसको जो है हम आदर्शवादियों की तरह नहीं वो कर सकते हैं कि इसको हम प्रभावात्मक या दमनात्मक ढंग से हम अनुशासन स्थापित करें, इसमें स्वयं ही शिक्षार्थी या शिक्षार्थियों का समूह उसको जो है निर्धारित करे कौन सा किसको क्या दंड देना चाहिए, समाज में रहकर समाज के द्वारा ये निर्धारण होगा कि अनुशासन कैसा होना चाहिए। अनुशासन की समस्या होने पर विद्यालय की ओर से दंड की व्यवस्था, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, इसके लिए नहीं हो सकता, तो सामाजिक दबाव प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानता। सामाजिक दबाव कौन सा, जो भी उनका छात्र समूह है वही उनके लिए दंड की व्यवस्था करेगा, छात्र समूह स्वयं अनुशासन की समस्या का विश्लेषण करे था दंड की व्यवस्था करे, जैसा इसमें कहा गया है। फिर आगे आ जाते हैं, अब हम प्रयोजनवाद की उपलब्धियां तथा सीमाएं। प्रयोजनवाद अगर देखा जाए उपलब्धियां में, तो इसमें प्रयोजनवाद के अनुसार छात्र चुपचाप बैठकर व्याख्यान नहीं सुनता, जैसे कि हमारा आदर्शवाद में है कि उसमें सिर्फ शिक्षक जो है व्याख्यान देता है, शिक्षक सब कुछ करता है, छात्र चुपचाप बैठकर सुनता है। यहाँ पर इनका है कि संदर्भ सामग्री का अध्ययन विचार विमर्श करते हैं, योजना बनाते हैं तथा प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको कहा कि वो निष्क्रिय रूप में नहीं है, वो शिक्षार्थी विद्यालय में जाता है, समाज में जाता है, तो वो सक्रिय रूप से भागीदारी करता है, क्योंकि उसी के अनुभवों के आधार पर फिर नए चीज़ों की नई समस्याएँ आती, वो साध्य फिर साधन, साध्य और साधन आगे बढ़ता जाता है। फिर प्रयोजनवाद वैज्ञानिक विधि का शिक्षा प्रतिस्थापित किया, जैसा कि हमने कहा कि समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि, इसका भी चयन किया। बालक की स्वतंत्रता था कि उद्घोष शिक्षण प्रक्रिया का घटक माना, बालक की स्वतंत्रता, यहाँ बालक ही प्रमुख स्थान है, बालक की रुचि, बालक की सारी चीज़ें बालक केंद्रित थी, तो ये उसके स्वतंत्रता के सिद्धांत को उन्होंने दिया। अगर कुछ इनकी सीमाएँ भी हैं, कुछ असफलताएँ भी हैं, जिससे शिक्षा शास्त्रियों ने जो आए नए जो शिक्षा शास्त्री उस पर अध्ययन किए, तो उसमें कुछ सीमाएँ भी मिलती हैं। विचार क्रिया से उद्भव नहीं होता, विचार जो है सिर्फ क्रिया करते जाइए वह जो है विचार रूप में परिवर्तित हो जाए, ऐसा नहीं, तो इसके लिए विचारवान भी होना चाहिए, उसके लिए सोचने का उसको समय होना, अपितु अनेक बार विचार प्रवृत्ति क्रिया में होती, कभी कभी जो है विचार करके भी क्रिया की जाती है, तो एक इनका ये जो है ये कट जाता है एक सिद्धांत। दूसरा, छात्र का अस्तित्व सामाजिक न होकर आत्मिक भी है, छात्र का अस्तित्व सिर्फ सामाजिक है,
ऐसा भी नहीं, आत्मिक रूप से भी विकसित होना चाहिए, आत्मिक रूप से वो अपने आप को सोचता है, आत्मिक विकास भी करता है, तो दूसरी चीजें इनका ये यहाँ पर सीमाओं में आ जाता है। इस बात में नकारात्मकता दिखाई देता है। पूरे अगर देखा जाए प्रयोजनवाद में सिर्फ दूसरे सिद्धांतों को नकारने का काम किया गया है, दूसरा आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, जितने भी वाद हैं उनको कहा कि ये किसी काम के नहीं है, हमारा ही सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। तो ये नकारात्मकता भी नहीं होनी चाहिए किसी भी वाद में। प्रयोजनवाद जीवन के सभी समस्याओं के विचार के वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है, दूसरी ओर विज्ञान के मानसिक विवेचना की भी भर्सना करता है। एक तरफ सारी चीज़ों को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करता है और दूसरी तरफ ये भी करता है कि अत्यधिक जो है विज्ञान, अमेरिका में जैसा हुआ, अमेरिका के जो आगे जब ये पढ़ा अत्यधिक जो है विज्ञानवाद बढ़ा तो उसको अमानुषिक भी माना गया, उसे डीवी ने अमानुषिक भी कहा। तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती आपके जो है विचार और सिद्धांतों में, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें दिखाई देती है। चिरंतन मूल्यों को उपेक्षा करके आप सच्चिक उद्देश्यों को निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर दी। यहाँ पर यह भी है जैसे कि आदर्शवाद में एक चिरंतन मूल्य को स्थापित करके आदमी अपने आप को उच्च चरित्रवान और आध्यात्मिक बनाते हुए आगे ले जाता है, यहाँ पर उन चीज़ों को उन्होंने एकदम गौण कर दिया, निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया और उसमें कोई भी इसका शैक्षिक उद्देश्य इस तरीके से नहीं बनाया। और ये यहीं पर इसका जो है हम देखें तो पूरा जो है ये कई पर इसकी असफलताएं भी आ जाती हैं, सफलताओं के साथ डीवी के कई सफलताएं सिद्धांतों में, लेकिन असफलताएं भी उसी के साथ ही लगी हुई हैं। तो प्रिय शिक्षार्थियों, आज का हमारा यह जो है चर्चा आज यही समाप्त होता है। प्रयोजनवाद जो हमारा टॉपिक थी वो भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। आपको शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।